वंदे मातरम, वेलकम टुडे एग्ज़ाम क्लासेस। जी हाँ दोस्तों, टुडे एग्ज़ाम क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम मंथली करंट अफेयर्स जानेंगे अगस्त माह के। अगस्त माह के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट मंथली करंट अफेयर्स हैं वो आज हम इस वीडियो में इन क्वेश्चनों को लेके आए हैं दोस्तों। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को, ज़रा भी स्किप ना करिएगा और क्वेश्चनों को नोट ज़रूर करिएगा दोस्तों। तो किस माह के? अगस्त माह के मंथली करंट अफेयर्स हैं दोस्तों। तो चलिए आपके सामने ये पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किस अभिनेता को देश के मेट्रो अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सलमान खान, सोनू सूद, अजय देवगन, अनिल कपूर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, सोनू सूद को। दिल्ली के मुख्यमंत्री सोनू सूद अभिनेता को देश के मेट्रो अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर आठ है, तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित को निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? बिहार, झारखंड, पंजाब, मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, पंजाब राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ओडिशा सरकार द्वारा निम्न में से किस हॉकी खिलाड़ी को बिजू पटनायक खेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? अमित रोहिदास, गगन अजीत सिंह, अजित पाल सिंह, मनप्रीत सिंह। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, अमित रोहिदास। ओडिशा सरकार द्वारा अमित रोहिदास हॉकी खिलाड़ी को बिजू पटनायक खेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। किसको किया गया है? अमित रोहिदास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कुश्ती खेल को वर्ष 2032 तक गोद लेने का फैसला किया है? बिहार, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, उत्तर प्रदेश राज्य ने कुश्ती खेल को वर्ष 2032 तक गोद लेने का फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राष्ट्रीय खेल दिवस नेशनल स्पोर्ट्स डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 10 जनवरी, 12 मार्च, 29 अगस्त, 15 जुलाई। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चनों को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को जरा भी स्किप ना करिएगा और मंथली करंट अफेयर के साथ बने रहे। भारत और किस देश की नौसेनाओं ने 26 अगस्त 2021 को अदन की खाड़ी गुल्फ ऑफ एडन में निम्न में एक संयुक्त अभ्यास किया? नेपाल, चीन, रूस, जर्मनी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, जर्मनी। भारत और जर्मनी देश की नौसेनाओं ने 26 अगस्त को 2021 को अदन की खाड़ी में एक संयुक्त अभ्यास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर, टोक्यो पैरालंपिक में भारत की अवनी लेखरा ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल के फाइनल मैच में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, कांस्य पदक, रजत पदक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, गोल्ड मेडल जीता है दोस्तों। तो ए इज करेक्ट होगा दोस्तों। टोक्यो पैरालंपिक में भारत की अवनी लेखरा ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल के फाइनल मैच में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागर विमानन महानिदेशालय ने कोरोना वायरस महामारी के कारण निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों के निलंबन को कितने तारीख तक बढ़ा दिया है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? नितिन गडकरी, मनसुख मंडाविया, विकास सोरसिया या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, मनसुख मंडाविया को स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष पर नियुक्त किया गया है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुन फुरे ने किस भारतीय अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मनोज वाजपेयी, ऋतिक रोशन, सोनू सूद। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सोनू सूद को सुपर पूरे ने भारतीय अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अरविंद गोकुल, मनोज शेखावत, विकास दुबे, भोला सिंह। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। एनसीएल के अध्यक्ष के रूप में भोला सिंह को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस राज्य सरकार ने सोनू सूद को देश का मैटर्स कार्यक्रम के लिए ब्रांड अम्बेसडर नियुक्त किया है? राजस्थान, दिल्ली, गुजरात या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। दिल्ली राज्य सरकार ने सोनू सूद को देश का मैटर्स कार्यक्रम के लिए ब्रांड अम्बेसडर नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस इंश्योरेंस कंपनी ने आनंद मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? नेशनल जनरल इंश्योरेंस, बजाज ऑलियस इंश्योरेंस, LIC या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। LIC ने, इंश्योरेंस कंपनी ने आनंद मोबाइल लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के CA और POC में कौन सा देश शामिल हुआ? वियतनाम, भारत, रूस, जापान। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी इज करेक्ट। भारत देश यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के CA और POC में शामिल हुआ। कौन सा देश? भारत देश। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में मिला SDG सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? ओडिशा, राजस्थान, सिक्किम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सिक्किम राज्य नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के जिला SDC सूचकांक 2021 में प्रथम स्थान या शीर्ष स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, NSG कमांडो ने आतंकवाद विरोधी अभ्यास गाड़ियों का कौन सा संस्करण आयोजित किया? दूसरा, पहला, तीसरा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तीसरा संस्करण आयोजित किया है, गाड़ियों का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, CISF के अतिरिक्त महानिदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया? सुश्री मीना सिंह, मनीषा कुलकर्णी, शेफाली मेनन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सुश्री मीना सिंह को CISF के पद पर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। किसको किया गया है? सुश्री मीना सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, याहू ने किस देश में अपनी समाचार वेबसाइटों को बंद किया? रूस, भारत, जापान, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं। तो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। भारत देश में याहू ने अपनी समाचार वेबसाइटों को बंद किया है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, भारत देश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हमारे साथ बने रहे और क्वेश्चनों को ध्यान से देखिएगा, नोट जरूर कीजिए। सीमा सुरक्षा बल BSF का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? पंकज कुमार सिंह, नीरज अस्थाना, सुंदर जयदेव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। पंकज कुमार सिंह को BSF सीमा सुरक्षा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के CIO कौन बने? हेब्रोलिस सिनलो, मिकलॉड जिनपे, केरल फटाडो, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। केरल फटाडो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के CIO बने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, SSBC इंडिया के CIO पद पर किसे नियुक्त किया गया है? सुरेश नैन, विवेक रावत, हितेंद्र दवे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। हितेंद्र दवे को SSBC इंडिया के CIO पद पर नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला दूसरा देश कौन सा बना? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला दूसरा देश मध्य प्रदेश बना है, जिसने नई शिक्षा नीति को लॉन्च या लागू किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, रामनाथ कोविंद ने सुप्रीम कोर्ट में कितने नए न्यायाधीशों को नियुक्त किया है? 6, 9, 11, 4। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 9 न्यायाधीशों को नियुक्त किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, EASC SA 3.0 अवार्ड्स में बैंकिंग की तकनीकी सक्षम आसानी थीम हेतु किस बैंक को पुरस्कार दिया गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, PNB बैंक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, SBI बैंक को दिया गया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को अवार्ड्स दिया गया है बैंकिंग की तकनीकी सक्षम आसानी थीम हेतु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने, भारत ने किस देश को 40 जीवन रक्षक एम्बुलेंस उपहार स्वरूप दिए? बांग्लादेश, वियतनाम, श्रीलंका, जापान। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, भारत ने बांग्लादेश को 40 जीवन रक्षक एम्बुलेंस उपहार स्वरूप दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस देश के सक्सेस के पूर्व कप्तान ट्रेड डेक्सर का निधन हुआ है? वियतनाम, इंग्लैंड, रूस, जापान। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, इंग्लैंड देश के सेसेक्स के पूर्व कप्तान ट्रेड डेक्सर का निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत का पहला चलता फिरता सिनेमा घर रोविंग सिनेमा हॉल कहाँ स्थापित किया गया? तमिलनाडु, सिक्किम, गोवा, लद्दाख। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, भारत का पहला चलता फिरता सिनेमा घर रोविंग सिनेमा हॉल लद्दाख में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे कार्यकारी निदेशक ED नियुक्त किया है? अजय कुमार, दुष्यंत नाथन, विजय रावत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, अजय कुमार को भारतीय रिजर्व बैंक में कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल डॉग डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 26 अगस्त, 12 मार्च, 25 अप्रैल, 18 मई। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, इंटरनेशनल डॉग डे है वो 26 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इंडियन आइडियल सीजन 12 के विनर पवनदीप राजन को किस राज्य के कला संस्कृति व पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? बिहार, पंजाब, उत्तराखंड, तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, उत्तराखंड राज्य का किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की लिस्ट में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? सिडनी, कोपेनहेगन, टोक्यो, वेलिंगस्टन। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, कोपेनहेगन डेनमार्क को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनियन की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, तालिबान ने अफगानिस्तान में निम्न में से किसे अपना कार्यवाहक रक्षा मंत्री नियुक्त किया है? गुल आगा, सदर इब्राहिम, जब्बी उल्लाह मुजाहिद, मुल्ला अब्दुल कयूम जाकिर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, मुल्ला अब्दुल कयूम जाकिर को रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है। किस देश का? अफगानिस्तान देश का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की दो महिलाओं को शिल्प के विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान मधुर फ्लोर मैट के निर्माण के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार दिया गया? बिहार, पंजाब, असम, पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, पश्चिम बंगाल राज्य की दो महिलाओं को शिल्प के विकास के उत्कृष्ट योगदान मधुर फ्लोर मैट के निर्माण हेतु राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सकमा संगठनों ने किस राज्य के सकमा और हाजोंग समुदाय के 60,000 लोगों के प्रस्तावित निर्वासन का विरोध किया है? अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, अरुणाचल प्रदेश का प्रस्तावित निर्वासन का विरोध किया है अरुणाचल प्रदेश स्टेट के लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय दास व्यापार और उसका उन्मूलन स्मरण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 15 फरवरी, 23 अगस्त, 20 मई, 12 जुलाई। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 23 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय दास व्यापार या उन्मूलन स्मरण दिवस मनाया जाता है। इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत किस अभियान की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है, सुजमल अभियान की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में जर्मनी में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? हरीश पर्वथरानी, विदु नायर, राहुल श्रीवास्तव, गौरव अलूवालिया। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, हरीश पर्वथरानी को नियुक्त किया गया है जर्मनी का, भारत का नया राजदूत जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सी ने अपने राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में निम्न ऐसे किसके विचार शामिल करने व पढ़ाने का अनिवार्य कर दिया है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के विचारों और पढ़ाने को अनिवार्य कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक संपत्ति सलाहकार धर्म कुशमैन वेकफील्ड की तरफ से जारी विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में निम्न में से कौन सा देश प्रथम स्थान हासिल किया है? नेपाल, भारत, चीन, रूस। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, चीन देश ने अपना प्रथम स्थान हासिल कर दिया है विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर निम्न में से कौन बन गई हैं? सलीमा मजारी, जेनेट डी फियोरे, निक्की हैली, कैथी होसुल। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर है वो कैथी होसुल बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अफगानिस्तान में भारत द्वारा लोगों को एयरलिफ्ट करने के अभियान को निम्न में से क्या नाम दिया गया है? ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन गरुड़, ऑपरेशन महाशक्ति, ऑपरेशन कालचक्र। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑपरेशन देवी शक्ति नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस IIT संस्थान ने भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर वाहन विकसित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, IIT मद्रास ने जारी किया है स्वचालित मोटर व्हील चेयर वाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से किस देश ने 3 साल की उम्र के बच्चों के लिए एंटीबॉडी परीक्षण शुरू किया है? अफगानिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान, इजराइल। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, इजराइल देश ने 3 साल के उम्र के बच्चों को एंटीबॉडी परीक्षण शुरू कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश की सीमा के पास 11,000 फीट की ऊंचाई पर भारत के सबसे ऊंचे हर्बल बार का उद्घाटन किया गया है? नेपाल, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, चीन देश ने उद्घाटन कर दिया गया है सबसे ऊंचे पार्क हर्बल पार्क का उद्घाटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने नए बनाए गए सहकारिता मंत्रालय का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, अभय कुमार सिंह को संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर तक जाने वाले मार्ग का नाम निम्न में से किस पूर्व मुख्यमंत्री के नाम पर रखने की घोषणा की है? नारायण दत्त तिवारी, कल्याण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, मुलायम सिंह यादव। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, कल्याण सिंह के निधन के नाम पर उनका राम मंदिर तक जाने वाले मार्ग की रखने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, केंद्र सरकार ने कितने 1,00,000 करोड़ रुपए के नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का घोषणा किया है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 6,00,000 करोड़ रुपए का नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वायु प्रदूषण को कम करने के मकसद से देश का पहला स्मॉग टावर निम्न में से किस शहर में लगाया गया है? पटना, बिहार, लखनऊ, चेन्नई, दिल्ली। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, दिल्ली शहर में स्मॉग टावर लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में किस वरिष्ठ अधिकारी ने सूचना व प्रसारण मंत्रालय में नए सचिव के रूप में कार्यभार संभाल लिया है? मोहन सेठ, अपूर्व चंद्र, राकेश त्यागी, अनुपम चचदेवा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका है, अपूर्व चंद्र ने सचिव के रूप में कार्यभार संभाल लिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड पर अनुचित व्यापार व्यवहार में शामिल होने पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत और किस देश ने 20 अगस्त 2021 को AK-103 राइफल खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, रूस देश ने किए हैं, भारत और रूस देश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत के अमित खत्री ने केन्या की राजधानी नैरोबी में अंडर-20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 10,000 मीटर पैदल चाल में कौन सा पदक हासिल किया है? तो इसका सही आंसर होगा जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, रजत पदक हासिल किया है। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, केंद्र सरकार ने नए बनाए गए सहकारिता मंत्रालय का संयुक्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, अभय कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर तक जाने के लिए कल्याण सिंह को नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने भविष्य के देश के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने MSI और अन्य कंपनियों की मदद हेतु किस फंड को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, उभरते सितारे फंड को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने निम्न में से किसे मणिपुर का नया राज्यपाल नियुक्त किया है? फगु चौहान, विश्वभूषण हरिचंद, प्रोफेसर जगदीश मुखी, लॉ गणेशन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका, लॉ गणेशन को मणिपुर का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्राओं को कॉलेज में प्रवेश करने पर लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 20,000 देने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका, मध्य प्रदेश राज्य ने सरकार ने ये घोषणा की है, लक्ष्मी योजना, लाडली लक्ष्मीबाई योजना। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कार्यकारी चेयरमैन हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, अजीत जुल्हा फजली को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो गया है, कल्याण सिंह, मुलायम सिंह यादव, राजनाथ सिंह, मायावती। तो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, कल्याण सिंह का, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो चुका है। निम्न में से किस देश की सरकार ने 3 बच्चों की नीति को मंजूरी प्रदान की है? जापान, चीन, रूस, जर्मनी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, चीन देश ने जारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 11 जनवरी, 15 मार्च, 21 अगस्त, 25 मई। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 21 अगस्त को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ युवा दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू मैच में हैट्रिक लेने वाली ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज नाथन एलिस के साथ किस IPL टीम ने करार किया है? चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई इंडियंस, पंजाब किंग्स। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका, पंजाब किंग्स ने IPL टीम ने करार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को निम्न में से किस परीक्षा में भाग लेने के लिए अंतरिम आदेश पारित कर इसकी इजाज़त दे दी है? NDA, रेलवे, SSC, इंडियन एयरफोर्स। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, NDA ने महिलाओं को निम्न में से परीक्षा में भाग देने की आदेश पारित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रदेश में गोरखधंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है? बिहार, झारखंड, हरियाणा, तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका, हरियाणा राज्य सरकार ने गोरखधंधा के शब्द इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। विश्व फोटोग्राफी दिवस दिन में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका, 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने वर्ष 2021-22 के लिए भारतीय आर्थिक विकास दर का अनुमान कितने प्रतिशत लगाए हैं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका, 9.4% अनुमान लगाया है। किसका? भारत के आर्थिक विकास दर का।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के संयुक्त राष्ट्र यूएन के संयोग में से दुनिया भर में काम करे शांति सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक प्रौद्योगिकी मंच शुरू किया है? नेपाल, भारत, चीन, बांग्लादेश। तो वो लॉन्च है वो भारत देश ने शुरू किया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विश्व मानवतावादी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी इज करेक्ट, 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है। हाल ही में भारत सरकार ने प्रतिवर्ष किस तारीख को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में आयोजित करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में आयोजित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस राज्य के निवेशक शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए वाहन स्क्रैपिंग नीति का शुभारंभ किया है? पंजाब, गुजरात, दिल्ली, असम। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, गुजरात राज्य के निवेशक शिखर को संबोधित करते हुए स्क्रैपिंग नीति का शुभारंभ किया है। कौन से राज्य? गुजरात राज्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय कैबिनेट के गृह सचिव अजय भल्ला को निम्न में से कितने वर्ष का सेवा विस्तार दिया है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 1 वर्ष का सेवा विस्तार दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इंग्लैंड का निम्न में से कौन सा बॉलर टेस्ट क्रिकेट में 35,000 गेंद फेंकने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज हैं, ओवरऑल 4th बॉलर बन गए हैं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी स्क्रैप, जेम्स एंडरसन बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व हाथी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी स्क्रैप, 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के निम्न किस शहर को भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है? भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका, इंदौर देश को मध्य प्रदेश के भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर इंडिया की निम्न में से किस पायलट को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका, कैप्टन जोया अग्रवाल को एयर इंडिया की पायलट को नियुक्त किया गया है महिला प्रवक्ता के रूप में। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 1 करोड़ रुपये सड़क और 1,000 करोड़ रुपए की सड़क और राजमार्ग परियोजना की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका, उत्तराखंड राज्य की गई है सड़क और राजमार्ग परियोजनाओं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने 290 किलोमीटर रेंज की सतह से सतह मार्क करने वाली बैलिस्टिक इस्माइल गजनवी का परीक्षण किया है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका, पाकिस्तान देश ने बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात सरकार ने अपने राज्य के मौजूदा प्रोजेक्ट लॉयन के लिए केंद्र सरकार की ओर से कितने करोड़ रुपए की सहायता मांगी है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका, 2,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मांगी है केंद्र सरकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बांग्लादेश के किस ऑलराउंडर को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका, साकिब अल हसन को बांग्लादेश के ऑलराउंडर को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया है, बांग्लादेश के साकिब अल हसन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश कंपनी हाउसे प्रेस द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में दुनिया भर सबसे प्रदूषित देश निम्न में से कौन सा था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका, बांग्लादेश है वो दुनिया भर में सबसे प्रदूषित देश बताया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय टायर उद्योग की प्रमुख और ट्रक बस रेडियल सेगमेंट के मार्केट लीडर जेके टायर एंड इंडस्ट्री लिमिटेड ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सलमान खान, नारायण कार्तिकेयन, अमिताभ बच्चन, लुइस हैमिल्टन। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका, नारायण कार्तिकेयन को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका, 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, महाराष्ट्र सरकार ने भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर एक पुरस्कार शुरू करने का फैसला किया है? तो इसका सही आंसर होगा जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, राजीव गांधी के नाम पर किया गया है
राजीव गांधी पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर पुरस्कार शुरू करने का फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश ने अल महद का अल हिंदी 2021 नामक पहला नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इसका सऊदी अरब का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के राज्यपाल ब्रिगेडियर सेवानिवृत्त बीडी मिश्रा को मिजोरम का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इसका अरुणाचल प्रदेश को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में भारत और किस देश के मौसम पूर्वानुमान में सुधार करने के लिए मानसून डेटा विश्लेषण और संयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इज करेक्ट, अमेरिका देश ने मौसम पूर्वानुमान के सुधार के लिए मानसून डेटा विश्लेषण और संयोग पर एक समझौते कर हार्दिक हस्ताक्षर कर दिए हैं। अगर इन क्वेश्चनों का आपको PDF चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल टुडे एग्जाम क्लासेस को ज्वाइन कीजिए और वहाँ आपको इन क्वेश्चनों का PDF प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। इसी के साथ वंदे मातरम।